में बहुत सुधारण है, खुश हैं। और काफी मैं हिंदुस्तानियों को मिला, मैंने कहा भाई बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनियों में, कि आप कर क्या रहे हो, क्या करते हो? उन्होंने कहा जी हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। और इतना कि मैं एक बार होटल में बैठा हुआ था तो एक आदमी मेरे पास, एक औरत मेरे पास आई कि जी मैं बात करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्या? तो कहती जी मेरे को लाइफ चेंजिंग मेरे पास विटामिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये विटामिन खाओ। तो मैंने कहा ले आओ। तो वो अगले दिन आई, एक एक बोरी भरकर लेकर आई। तो मैंने कहा ये किसकी है? कहती सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करती हूँ और ये लाइफ चेंजिंग है और ये $1,000 आपको देने पड़ेंगे इसके लिए। मैंने कहा तुम कितना कमाती हो? ठीक है लाख। मैं कहती लाख 2 लाख डॉलर में हर एक साल कमा लेती हूँ। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा धंधा है कि आम आदमी कमा लेता है। तो मैंने काफी रिसर्च करी, लंदन गया, अमेरिका गया, जापान गया, थाईलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया। मैंने कहा कि यहाँ सब भी देख रहा हूँ कि यहाँ लोगों को को तरक्की मिल रही है, तो हिंदुस्तान में हम ये क्यों नहीं ला पाए? तो इसी को देखकर कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं है, लोग मारा मारी कर रहे हैं कि हम ऐसी चीज ला सकते हैं जिससे हिंदुस्तानियों को फायदा हो, उनकी जिंदगी बदले और उसके साथ हिंदुस्तान बदले। तो ये शुरुआत थी 25 साल पहले, एक छोटा सा कदम लिया था हमने और आज जहां पहुंचा है, जिस मकाम पे हम पहुंचे हैं, इसका आप सबके लिए और हमारे सारी जो मोदी केयर की फैमिली है, अटूट बंधन की जो फैमिली है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्ते कि हम यहाँ नहीं पहुंच पाते उनके बिना। भैया आप इतने काइंड है, हमें पता है आपने पिछले 25 सालों में कितना कुछ किया होगा, कितना कुछ झेला होगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जितना मैं जानता हूँ, मुझे ही 20 साल हो गए भैया। एंड कई सारी फॉरेन कंपनियों में काम करने के बाद, सारी दुनिया देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जो मोदी केयर कर रहा है वो तो कोई भी नहीं कर रहा है भैया, नोबडी इज डूइंग दैट। तो ये भैया बहुत ही कमाल है। लेकिन भैया मैं एक क्वेश्चन अभी आपसे करना चाहता हूँ भैया, क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है भैया, बहुत ही टिपिकल टाइम है हिंदुस्तान के लिए। कोरोना की जो स्थिति है उसके बाद से भैया लोग मेंटली बहुत हरे से हैं, इमोशनली लोग बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, फाइनेंशियली तो मैं नहीं समझता, केवल जो मोदी केरियंस ही है ना भैया, वही घर बैठे पैसा बना रहे हैं इस समय। मुझे नहीं लगता कोई और कोई इस तरह पैसा बना रहा होगा इस समय पर, क्योंकि आपने जो जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जो डिजिटली उसको एम्पावर किया है, हम घर बैठ कर ये सब कर पा रहे हैं भैया। तो भैया ये आपको क्या लगता है मोदी केयर कैसे इस पेंडेमिक के बाद लोगों की जिंदगी में और बड़ा रोल प्ले करने वाला है? क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं भैया, मुझे पता है इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मुझे तो भैया, आपको क्या लगता है भैया? देखिए पैंडेमिक में सबसे बुरी बात ये हुई है कि हम आमने सामने नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आज वो प्रोटोकॉल है। और हिंदुस्तान में नहीं पर सारे वर्ल्ड में लोगों को ये जॉब खो रहे हैं, तकलीफ आ रही है, इमोशनल तो है ही पर साथ के साथ फाइनेंशियल तकलीफ भी आ रही है। और ये भी सच है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो इसको बढ़ा सकती हैं। और मोदी केयर में आज करीबन 10 से 15 हजार लोग दिन के जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदले। आपने सही कहा कि डायरेक्ट सेलिंग वाले लोग हैं, वो घर में बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं और कोई पैसा ही नहीं कमा रहा। और पैंडेमिक के बाद मुझे लगता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा मोदी केयर क्या क्या होगा, आई थिंक मोदी केयर और भी आसमान में उड़ेगा, क्योंकि पैंडेमिक के समय में हमने काफी लोगों को, लाखों लोगों की जिंदगी में हम सिक्योरिटी लाए हैं, लाखों की जिंदगी में हम पैसा लाए हैं और लाखों की जिंदगी में हमने ये दिखाया है कि मोदी के द्वारा जिंदगी स्टेबल हो सकती है। तो इसलिए पैंडेमिक के बाद तो मुझे कोई डर ही नहीं है, सिर्फ ये है कि एक और उम्मीद है। की जिंदगी में हम पैसा लाएं,
और लोगों की जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं पर सुकून, जो आप कहते हैं सुकून खुशी जीने का एक मकसद लेकर आए। और सच्ची में आपने कहा कि ये जो सेकंड वेव जो आज आई है इसने सच्ची में लोगों को तोड़ दिया है, और सच्ची में ये हमें बदलना है और इसका सपोर्ट देना है, और ये सिर्फ मोदी केयर और मोदी केयर के कंसल्टेंट जो हमारी फैमिली मेंबर है वो कर पाएंगे। बिल्कुल भैया, आप अगर साथ में हैं तो ये जो आशा का दिया है जो आपकी वजह से हम सबके दिलों में जल रहा है वो इससे भी ज्यादा रोशन होगा, क्योंकि आप सब हम आप हमारे साथ हैं। भाभी क्वेश्चन ये है कि मैं मेरा सारा प्यार और जो भी मैं हूँ आज वो सब मोदी केयर के द्वारा हूँ। तो ये मेरा पहला बच्चा था और जब मैंने पहली बिजनेस चालू करी, और मुझे ये नहीं लगता कि मैं आज जब सुबह उठता हूँ तो सिर्फ मोदी केयर एक एक वो देता है, हौसला देता है कि खुशी देता है कि देखिए हमारे परिवार इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं और हम लोगों की जिंदगी में सुकून ला रहे हैं और सुरक्षा ला रहे हैं। तो इसको देखकर हमारी जो मेरी जो चाहत है और मेरी जो लव वो कहते हैं ना तेजी से भागने की जो इच्छा है वो सर इसी के द्वारा है। बहुत बढ़िया भैया। भैया जब हम आत्मनिर्भर परिवार अभियान के बारे में सोच रहे थे भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया था टेलीफोन पे भी, कि आप अकेले मेरे को एक एम्बेसडर दिखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री में जो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर परिवार बनाने के बारे में काम कर रहे हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर परिवार की जब हम बात करते हैं तो चारों डायमेंशन की बात करते हैं भैया, एंड आत्मनिर्भर भारत का सपना भैया महात्मा गांधी ने देखा था। उसके बाद बातें तो हर राजनीतिक पार्टियों ने करी, कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसके बारे में बात करते हैं भैया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इसके ऊपर काम करता है भैया। मतलब जो जिस तरीके से आपने आजादी दी है, जिस तरीके से मोदी केयर ने आप विंग फैलाए हैं, जिस तरीके से आप लोगों को आजादी बांट रहे हैं, वो तो कोई भी नहीं कर पा रहा है भैया। तो भैया ये जो आज ये आत्मनिर्भर परिवार और ये अटूट बंधन का जो 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 कॉम्बिनेशन आपने बनाया भैया, ये मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया भैया? एक आइडिया नहीं था, ये नहीं कि मैंने सोचा कि इसे ऐसे करेंगे, ये तो चलते चलते भगवान की दुआ थी और भगवान के आशीर्वाद थे, ये ख्याल मेरे दिन में आया। मैंने कहा कि अगर सोच बदल सकते हैं हम तो खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदल सकते हैं और हमारे जो लाखों कंसल्टेंट हैं जो जुड़े हुए हैं अगर सब बदल पाए अपने आप को, धीरे धीरे हिंदुस्तान बदल जाएगा। और ये जो आत्मनिर्भर कदम है तो सोचा ही नहीं मैंने, कभी ये शब्द सुना ही नहीं था कि आत्मनिर्भर क्या है। मेरे को तो सिर्फ ये मालूम था कि हमें आजादी देनी है, और सब लोग कह रहे हैं जी पैसे की आजादी, और मैंने कहा पैसे की आजादी में लेकर क्या होगा, कि हम सब कहते हैं कि कल खर्च करेंगे, कल काम आएगा, कल काम आएगा, और कल करते करते जिंदगी बदल चली जाती है और बैंक बैलेंस उतना ही रहता है। तो मैं नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा अभी खर्च करिए, पर ये जरूर कह रहा हूं कि मोदी केयर और मेरी जो फिलोसफी है है जीने की, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितने दिन जीऊंगा, कल जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, पर ये जरूर मालूम है कि आज जी रहा हूं और आज का पल कभी नहीं आने वाला बाप से। तो आज पूरे दिल से जीजिए, ऐसे जीजिए कि साहब जिंदगी का ये आखिरी दिन है, ऐसे जीजिए कि साहब मैं जो भी हूं जैसा भी हूं मैं सब कुछ करूंगा। और यही है एक मेरा फिलॉसफी जो आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत या आप कह दीजिए अटूट बंधन, क्योंकि अटूट बंधन क्या है, वो ही है कि जो दिल सेम दिल के लोग हैं वो जुड़ जाएं। और यही एक मोदी केयर का मकसद है, वो है कि हम सब जुड़े रहें, कठिनाई भी साथ गुजारे और खुशियां भी साथ गुजारे, पर सबसे पहले कठिनाई, क्योंकि सबसे दुख में कोई नहीं रहता, सुख में सब रह जाते हैं। ठीक बात है। तो हम तो यही है, यही एक छोटा सा मकसद है, एक छोटी सी कदम लिए है। मुझे ये पूरा बिलीफ है, पूरा हौसला है, पूरा भरोसा है कि हम मोदी केयरियंस जरूर हिंदुस्तान में चेंज लाएंगे, थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं पर जरूर हिंदुस्तान में चेंज लाएंगे, और हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी केयरियंस का नाम आएगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, ऑलरेडी आ रहा है, एंड आपको अंदाजा भी नहीं है भैया जो हमारे लीडर्स जो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं फील्ड में, मतलब उन स्टोरीज को जब मैं शेयर करता हूँ हमारे वेनसडे सैटरडे की मीटिंग में तो मैं दंग रह जाता हूँ, मतलब क्या क्या स्टोरीज क्रिएट हो रही है भैया आपकी वजह से। भैया भैया आप मतलब आपको अंदाजा भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। हिस्ट्री की एक प्रॉब्लम ये है भैया, जब वो लिखी जा रही होती तो पता नहीं होता हिस्ट्री लिखी जा रही है, लेकिन मुझे पता है आप ये हिस्ट्री लिख रहे हैं,
एंड इसको सदियों तक लोग याद रखेंगे। तो कोई व्यक्ति था जिसने आत्मनिर्भर भारत के लिए सही मायने में काम किया, जो कोई पॉलिटिशियन नहीं था, सही मायने में दिल से काम किया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। एक और चीज में, बहुत शुक्रिया जीतन भाई। हाँ भैया, एक और चीज में देख रहा हूँ भैया, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी पर्सनैलिटी कई सारे आयाम है। कई सारे आयाम कैसे हैं कि एक तरफ तो आप भैया लोगों के दिलों में घुस जाते हैं, लोगों के बीच में चले जाते हैं, लोगों के साथ गाने गाते हैं, लोगों के साथ टाइम स्पेयर करते हैं, लोगों के कंधे पे हाथ रखते हैं, लोगों की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तरफ भैया आप इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, CACCI के आप अभी प्रेसिडेंट हैं, चैम्बर कॉमर्स एशिया पैसिफिक, ग्लोबल लीडर हैं आप, और आपके पास मेरे ख्याल से एम्प्लॉयज की भी इतनी बड़ी लिस्ट है, नंबर्स तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई नो यू हैव द थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज। तो भैया मतलब कैसे, मतलब एक तो एक पर्सनैलिटी का रूप तो ये है कि लोगों को आपसे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कार्ड भेजना पड़ेगा, आपसे मिलने के अपॉइंटमेंट लेने के लिए मेरे ख्याल से 3-3 महीने लग जाते होंगे लोगों को, और दूसरी तो भैया आप लोगों के दिलों से ऐसे जुड़े हैं कि मेरे सिर्फ एक मैसेज के ऊपर आप भैया आप आ गए भैया, वी फील सो ब्लेस्ड कि हम किन हाथों में, मतलब तो ये भैया ये मतलब ये डिफरेंट डायमेंशन कैसे मेंटेन करते हैं आप? मैंने ज्यादातर लोगों को देखा वो एक ही ट्रैक पर चलते हैं। देखिए जैसे अगर आप देखिए कि इंसान कपड़ा पहनता है तो कपड़े से तो दिखाई देता है कि आदमी कैसा है, पर अंदर झांक नहीं कर सकते जब तक आप करीब ना हो। yes. तो जो आप डायमेंशन की बात कर रहे हो, जो बेसिक डायमेंशन है मेरा जीने का, जो बेसिक डायमेंशन है वो लोगों के लिए रहना, लोगों के लिए जीना, चाहे वो मोदी के कंसल्टेंट हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज हो, समीर मोदी फैमिली हो, उन सबके लिए जीना, यही एक मुझे एक हौसला देता है, यही मुझे एक एनर्जी देता है आगे चलने के लिए। CACCI का प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ये तो एक रूप है जिससे जिसका सपोर्ट हमारे कंसल्टेंट और मेरी लार्जर समीर फैमिली है, इसको मिलाकर जो सपोर्ट है वही मुझे एक हौसला देता है ये करने के लिए। तो बेसिक जो है, बेसिक जो इंसान है, जो कहते हैं नंगा इंसान जो है, वो ये है, वो मैं हूँ कि मैं लोगों के करीब होना चाहता हूं और लोगों का प्यार ही मुझे आगे बढ़ाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी में जो ट्रांसपेरेंसी है ना भैया, वो मैंने आज तक किसी लीडर में नहीं देखी, मतलब दैट इज अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, कोई उसको बारे में सोच भी नहीं सकता। तो भैया कमाल है, मतलब आपका तो ये सब सारी चीजें देखकर लगता है ना कि हम अगर आपका 1% भी अगर ग्रहण कर पाए ना भैया, तो शायद हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे भैया। भैया 10 साल पहले वाला जो मोदी के, वो मैंने नहीं देखा भैया, एक्चुअली आप लोगों ने जो पिछले 25 सालों में देखा, मैं तो पिछले 5-7 सालों से आपको देखा, आपका आपकी वापस री एंट्री मैंने देखी है। तो भैया 10 साल पहले वाला मोदी केयर और आज का जो मोदी केयर है भैया, इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है अभी भैया? जब मैंने मोदी केयर छोड़ा था करीबन 18 साल पहले, और जब मैं मोदी केयर में आया 5 साल पहले, भैया वो स्टोरी में मोदी के क्यों छोड़ा था भैया, मतलब मेरे को अभी भी ये समझ में नहीं आती कि ये बेबी आपका पैदा किया हुआ था आपने, मतलब कैसे इसको? well, जॉइंट फैमिली रहकर कभी कभी हो जाता है। मैं स्वर्गीय पिताजी ने समझा कि वो इसे और चीज भरा पाएंगे और मेरे को और काम में देखना चाहिए, तो अब अपने अपने बॉस और फादर को मना नहीं कर सकते तो इसलिए मैं थोड़ा स्टेप अवे हो गया। पिताजी का आदेश था इसलिए मैं सेपरेट हो गया, और पिताजी का आदेश था वापस आने का भी 13 साल बाद। तो कहते हैं 13 साल के वनवास के बाद, 13 साल वनवास के बाद में जब मैं आया, और आज जो मोदी केयर है और जब मोदी केयर जो पहले था उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। लोग सेम है पर और कुछ सेम नहीं है, ना तो हमारा सिस्टम सेम है, ना हमारा मार्केटिंग प्लान सेम है, ना हमारी उम्मीद सेम है, ना हमारा थिंकिंग प्रोसेस सेम है। तो अगर आप सोचें कि मोदी का कितने साल पुराना है, तो एक तरफ 25 साल पुराना है और एक तरफ 5 साल पुराना है। तो फर्स्ट जनरेशन है 25 साल पुराना, सेकंड जनरेशन है 5 साल पुराना, तो उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। क्योंकि जब मैं वापस आया मोदी केयर में, तो सारे प्रोडक्ट को री इंजीनियर किया, सारी ब्रांडिंग फिर से करी, मार्केटिंग प्लान फिर से देखा, सेल्स प्लान फिर से देखा, सेंटर्स फिर से देखे, और जो भी पहले का जो अच्छा था उसी रखा, बाकी सब फेंक दिया। तो आज मेरे हिसाब से ये एक नया मोदी केयर है
जिसमें जिसकी पहचान पिछले मोदी के बिल्कुल नहीं। आप सही समय पे आए हैं भाई, भैया भाभी सही समय पे आए हैं। राम जी जब अयोध्या आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तो पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया, और आप हमारी जिंदगी में आए हैं 14 साल के 13 साल के वनवास के बाद, तो बिल्कुल पूरी फिजा बदल जाएगी, ये हमको पूरा विश्वास है। बिल्कुल बदल गई है भैया, आपने जो जो बैलेंस लाइफ जिसके बारे में सोचा करता था ना भैया, वो आया ही इस वजह से क्योंकि हम मोदी केयर के अंदर आए भैया। इट्स मतलब आज जो बैलेंस में देख पा रहा हूँ मेरी लाइफ में, दोनों बच्चे आईआईटी में हैं, दोनों बच्चे मतलब वो सब इस वजह से हो पाया भैया कि आपका हमें आशीर्वाद मिला भैया, आपका प्यार मिला भैया। क्या आपके लिए, तो आपके लिए कभी भी शब्द नहीं होते भैया, मतलब हम स्पीचलेस हो जाते हैं जब आपकी बातों को सुनते हैं, ऐसा लगता है बस आप ही को सुनते रहे भैया। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस है ये भैया लोगों का बिजनेस है, यू नो इट्स पीपुल्स बिजनेस, एंड देर आर मेरे ख्याल से 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोदी केयर से अभी एक्वेंटेड है, और पूरा हिंदुस्तान अब मोदी केयर को जानता है भैया। तो भैया आपको क्या लगता है, मतलब पब्लिक की जो डिसीजन मेकिंग, जो जो मोदी केयर या कोई भी कंपनी जो इसके अंदर काम करती है, डिसीजन मेकिंग में उन लोगों का कितना रोल, जैसे आपने तो एडवाइजरी काउंसिल बनाई भैया, आप लोगों की राय भी लेते, मुझे पता है आप एक आम आदमी का फोन भी रात को 3 बजे उठा लेते हैं भैया। मेरे को कल किसी ने बोला कि सवेरे 3:30 बजे आपने किसी को व्हाट्सएप पर उसकी किसी बात का जवाब दिया, मतलब मैं खुद मतलब उसका जब मेरे पास फोन है मैं सोच में पड़ गया यार, ये हाउ इट इज पॉसिबल पर्सन लाइक यू। तो भैया ये मतलब आपको क्या लगता है डिसीजन, आप अकेले हैं भैया जिस इंडस्ट्री में इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कंपनीज में, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया भैया, तो मैंने देखा है कि मालिकों की सोच अलग होती है, फिर कॉरपोरेट्स की सोच अलग होती है, एंड पब्लिक की सोच तो कहीं रह जाती है, वो तो बेचारे काम ही करते रह जाते हैं, उनको समझ नहीं आता वो कर क्या रहे। तो भैया ये आप कैसे ये मैचिंग कैसे बनाई आपने भैया? मुझे मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग सा है कि मैं सोचता हूँ जो मोदी केयर जनता की कंपनी है, मैं तो सिर्फ बैठे होते चला रहा हूँ, जनता के लिए चला रहा हूँ, आम आदमी चला रहा हूँ, मोदी केयर फैमिली के लिए चला रहा हूँ मैं, तो उनका इतना ही हक है जितना मेरा है मोदी केयर। और इसी को लेकर बात आगे होती है, हमने एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, मैं आपने कहा कि 3:30 बजे मैंने किसी को जवाब दिया, दिन में समय नहीं मिलता जवाब देने का, तो जवाब में काफी व्हाट्सएप आते हैं और उनका जवाब मैं सिर्फ रात को दे पाता हूँ। तो जैसे कि कल रात को मैंने चालू, मेरे पास करीब 250 व्हाट्सएप थे कल रात को, और वो आज सुबह खत्म हो गए सारे, 0 हो गए थे। अब सुबह मैं उठा हूँ तो 150 और आ गए, तो उनका जवाब रात को ही दे पाता हूँ मैं। जैसे कि कल रात को मैं सोया हूँ करीबन आज सुबह 6:30 बजे, 6 बजे मैं लास्ट जवाब दे पाया, और कई क्वेश्चन है उसमें जवाब नहीं दे पा रहा था मैं रात को, उसका जवाब मैं आज देना है। तो मुझे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जल्द से जल्द जवाब दिया जाए, किसी का कोई परेशानी हो उसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि अगर वो आदमी मेरे को रीच आउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो उसमें मुझे आगे अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, शायद मैं कुछ कर ना पाऊं क्योंकि कुछ हम कर नहीं सकते, पर ये जरूर है कि मैं हर एक की आवाज सुनना चाहता हूं और हर एक को ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि मैं उनके लिए हूं, क्योंकि अगर मैं आम आदमी की कठिनाई नहीं दूर कर पाऊं तो मोदी के में रहने का मेरा कोई मकसद नहीं। भैया कमाल ये, फिर भी लोग आपको मतलब आपको लोग मैसेज करते थे, मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि लोगों की हिम्मत देखिए भैया, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि एक आम आदमी मतलब आपको मैसेज कर देता है, कमाल है, और आप उसका जवाब देते, मतलब मैं उसकी जो फीलिंग है भैया, मतलब वो किस लेवल तक अंदर तक आपको चाहने लगेगा भैया, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और ये मतलब मुझे पता है ये आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 250-300 मैसेज का जवाब देना। मैं तो बल्कि पब्लिक से यही अपील करूंगा, क्योंकि आज मुझे पता है लाखों लोग उसको देख रहे हैं कि भैया को परेशान मत करो यार, वो आपके हमारे लिए रात दिन सोच रहे हैं बेहतर बनाने के लिए, आप उनको प्लीज डायरेक्ट मैसेज ना करके अपनी कोई भी अगर आपको समस्या है तो हमारे पास पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एंड वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। मतलब मुझे कई मेरी एक डाउनलाइन ने भैया आपको कर दिया था, उसका वापस जब मेरे पास रिप्लाई आया मैंने उसको डांटा, मैंने कहा यार तुम कमाल करते हो, तुमने उनको क्यों मैसेज कर दिया। मतलब मैं पर्सनली ये फील करता हूँ भैया कि लोगों को, लेकिन आप कितने बड़े दिल के हैं भैया कि आप फिर भी उनकी हर बात का जवाब देते हो भैया,
कमाल ही है भैया। भैया एक भैया तो आपने कहा पहले, आप क्वेश्चन पूछने से पहले मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ थोड़ा, क्योंकि अगर इंसान को लगे ये मालूम है कि वो ऊपर वाले के पास सबसे जो ऊपर कंपनी में बैठा है उसको रीच कर पाए, तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाती है कि कहीं मैं अटक जाऊं तो मेरे पास एक सोल्यूशन जरूर मिल सकती है। Yes. चाहे वो इंसान, चाहे समीर मोदी दे ना पाए वो सोल्यूशन, पर मेरी बात जरूर सुन ले। तो इसलिए मैं किसी को नो नहीं करता हूँ रीच आउट करने के लिए। सिर्फ ये है कि कई बार लोग तीन तीन बजे सुबह फोन कर देते हैं तो मैं कहा तीन बजे मेरे पास आपके कहते हैं मुझे अभी रिप्लाई चाहिए, अभी तो मेरे पास रिप्लाई है नहीं, क्योंकि अगर आपको करना है तो दिन में करिए। पर यह है कि यस मैं सबके फोन नहीं उठा पाता हूँ, पर मैसेज मेरी आशा है या मेरी कोशिश है कि सबकी मैसेजेस को रिप्लाई करना और सबकी मैसेजेस को सोल्यूशन देना। तो अच्छा है लोग करते हैं, लोगों को यह तो मालूम होना चाहिए कि मैं समीर मोदी के पास पहुंच पाऊंगा, क्योंकि समीर मोदी का नंबर सबके पास है और कंपनी के मालिकों या जनरल मैनेजर के नंबर लोगों के पास नहीं है। और मैं इंकरेज करता हूं लोगों को कि मेरा नंबर रखिए। वो कहते हैं ना फोन अ फ्रेंड, अमिताभ बच्चन जी करोड़पति, फोन अ फ्रेंड, लाइफलाइन, फोन अ फ्रेंड, और पंक्चुअल होना आपकी तरह वो जरूर हम फॉलो करेंगे। भैया एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप 2025 में इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और मोदी केयर को कहां देखते हैं? आबा जी ये तो आपने बड़ा भाभी बड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि 2025 में मैं मोदी केयर को कहां देखता हूं। पर मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन के आंसर करने की गुजारिश की अगर मैं इसका पूरा आंसर नहीं दे पाऊं। 2025 में मोदी केयर को मैं देखता हूं कि हिंदुस्तान में सबसे फोर फ्रंट कंपनी है जो आजादी दे रही है। yes. सबसे फोर फ्रंट है कि लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। ये नहीं कि और कंपनियां खराब है, हिंदुस्तान में अगर 1000 भी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आ जाए वो भी कम होंगी, पर ये है कि जो मोदी के साथ जुड़ा हुआ है वो सक्सेस पाए। हम इंटरनेशनल बन जाएंगे, हमारे पास आज 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, वो करीबन 500 लाख लोग हो जाएंगे। पर ये जरूर है कि जब लोग कहेंगे कि आजादी चाहिए, खुशियां चाहिए, तो 2025 में हर एक बच्चा ये कहेगा कि मोदी केयर से जुड़ना अच्छा है, क्योंकि मोदी केयर हमें मोदी यार हमें वो दे सकता है, तरक्की दे सकता है, जिंदगी बदल सकता है। तो 2025 एक सिंबोलिज्म है कि इंटरनेशनल कंपनी होना, लोगों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलना, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना, पैसा लाना, रोकड़ा लाना जो आप कहते हैं, और ये जरूर है कि एक सिस्टम बन जाएगा जहां पर लोग ऑटोमेटिकली कहेंगे, जैसे वो कहते हैं फेडेक्स DHL, लोग वैसे कहेंगे अगर कुछ करना है डायरेक्ट सेलिंग में होना तो कहेंगे मोदी केयर। यस क्या बात, ये तो हो ही गया। ये तो होने वाला है भैया, होने वाला है। पूरे पूरे एंटायर जो पूरा जो सिस्टम आपने बनाया ना भैया, वो सिस्टम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा भैया। मैं बहुत एक्साइटेड हूं भैया, एंटायर नेशन इज वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। भैया एक चीज जो है ना, एक मोदी केयर फाउंडेशन, मैं इसके बारे में कई बार मैंने सुना है, कई बार पढ़ा है, आपने HIV/AIDS के लोगों के लिए बहुत काम किया, इस समय कोविड के टाइम पर आपने जितना काम किया है, मैंने किसी और उद्योगपति को नहीं देखा फील्ड में जाकर इस तरह काम करते हुए। आपने खाने के पैकेट्स बांटे, आपने कई सारे अरेंजमेंट्स किए, आपने कई मतलब कितने कितने डिफरेंट डायमेंशन में आपने इस पर काम किया। तो ये भैया मोदी केयर फाउंडेशन क्या, मतलब ये क्या चीज़ है, कैसे आप इसको देखते हैं भैया? तो मोदी ये फाउंडेशन हमने चालू करी थी हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए, और मेरे ग्रैंडफादर का ये मकसद था, एक वो की थॉट थी कि जिस देश में आप पैसा बनाते हो उसी देश में आपको वापस डालना चाहिए, कि जमीन से पैसा बनाते हो जमीन में डालना चाहिए। तो उन्होंने कॉलेज खोले, मंदिर खोले, स्कूल खोले। तो जब मैंने देखा कि साहब मैं क्या कर सकता हूँ हिंदुस्तान में चेंज लाने के लिए, उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी HIV। कोई बात नहीं कर रहा था, लोगों की जिंदगी जा रही थी। तो मैंने कहा HIV/AIDS के बारे में हम एजुकेशन देंगे, और हमारा 1% जो हमारा प्रॉफिट है
कंपनी का, वो हम इस फाउंडेशन में डालेंगे। तो आज हम एचआईवी एड्स के बारे में बात करते हैं, पर उससे ज्यादा हमारा जो मेन काम है वो है औरतों और बच्चों पर। करीबन आज 12,000 बच्चे हम पढ़ा रहे हैं और लाखों औरतों को हम ऑल्टरनेट इनकम के बारे में सिखा रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। जैसे अभी इस कोविड में हमने वैक्सीनेशन कैंप करे हैं जिसमें हजारों लोग आए हैं करने के लिए। एचआईवी पॉलिसी तो हम कर ही रहे हैं लोगों की कंपनियों के लिए, सोशल पॉलिसी कर रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपको एक परसेंटेज देना है सोशल कॉज के लिए, हम तो इसमें कब से लगे हुए हैं। तो अगर हमको तो इसमें जुड़ने की कोई वही नहीं थी कि साहब हमें पैसा देना है, पर आज बच्चों पे और महिलाओं पे हम बहुत जोर से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दो चीजें हैं, बच्चे और महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान को बदलेंगे। हम मर्द लोग तो हैं ही, पर जो जो हमारे साथ हमारी वाइफ है, भाभी है, बच्चे हैं, ये आज नए हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है। आप जितना महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं ना भैया, मैंने किसी और को नहीं देखा जितना आप उनको एनकरेज करते हैं। और मोदी केयर में भी आज जो पूरा एंटायर मोदी केयर में देखता हूँ या पूरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो आपने इतनी इतनी लेडीज को एम्पावर किया है भैया, बहुत ये कमाल है। मतलब इसके भी एक अलग डायमेंशन है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया भैया अभी, कि आपकी तो कई सारी कंपनीज है, देर आर लॉट ऑफ कंपनीज, बड़ी लंबी लिस्ट है। मतलब मैं अभी यहाँ लूंगा तो इंटरव्यू उसी में खत्म हो जाएगा। फिर ये आपने फाउंडेशन मोदी केयर के नाम से क्यों रखा भैया? क्योंकि ये फाउंडेशन मोदी केयर के लिए ही है। मोदी केयर का ये हम और फाउंडेशन है हमारी जिसमें हम काम करते हैं, पर मोदी केयर के क्यों? मोदी केयर जनता के लिए है, इसलिए मोदी केयर फाउंडेशन जनता के लिए काम करने के लिए रखी। और इसमें एक क्लैरिटी बिल्कुल थी कि हम अपना प्रॉफिट जो है इसमें देंगे, तो ये क्लैरिटी थी कि साहब। और ये है कि जैसे कि काफी गवर्नमेंट लोगों के लिए हम काम करते हैं, हमने काम किया है CRPF के लिए, हमने नेवी के लिए काम किया है, एयरफोर्स के लिए काम किया है, DT बस कॉरपोरेशन के लिए काम किया है, टाटा के लिए काम किया है, जिंदल स्टील के लिए काम किया है, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन के लिए काम किया है। तो काफी एंटिटीज से हमने काम किया है। और वहां जो पैसा लगाते हैं लोग, हम कहते हैं अगर आप 100 रुपए लगाएंगे तो 100 रुपए प्रोग्राम में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन फी हम कुछ नहीं लगाते क्योंकि हम पैसा उसको खुद देते हैं। तो जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे लिए काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह हम देते हैं। तो अगर आप 100 रुपए देंगे तो 100 रुपए बिल्कुल जमीन पे काम पे जाएंगे। और कंपनी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर आप 100 रुपए देते हो तो 40 रुपए जाते हैं जनता को और 60 रुपए लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये भी एक खास बात है। बल्कि कई साल पहले हमने जो प्रेसिडेंट जी ने गर्ल चाइल्ड प्रोग्राम लगाया था, लॉन्च किया था दिल्ली में, उसके जो कोऑर्डिनेशन नोडल एजेंसी थी वो मोदी फाउंडेशन। तो मोदी फाउंडेशन इज नोन वेल नोन फॉर आवर वर्क इन चिल्ड्रन एंड वेलफेयर। नहीं भैया, मैंने और भी फाउंडेशंस देखे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बट वो लोग क्या करते हैं भैया, वो लोग जो ना पब्लिक के बिलों में पैसा जोड़ते हैं उसका। मतलब आपने बिल कटाया तो उसके अंदर 10 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, 2 रुपए फाउंडेशन में जाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं। आप तो भैया वो लेते भी नहीं लोगों से। मतलब मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उस फाउंडेशन के लिए भी आप पैसे नहीं लेते, मोदी केयर से भी आप 1 रुपया अपने नहीं लेते। तो भैया आप है क्या एक्चुअल में? मुझे समझ नहीं आ रहा बने मतलब किस मिट्टी के बने आप। देखिए पैसे की तो कुछ कमी वो ये नहीं कि पैसा जितना हो उतना ही कम होता है इंसान के। कि लोग कहते हैं साहब मुझे तो 100 रुपए चाहिए, जब 100 मिल जाते हैं तो 1000 चाहिए, 1000 चाहिए तो आते हैं तो 10,000 चाहिए। कब लोगों के लिए, ज्यादा लोगों के लिए ये रकम जितनी भी दे दो उतनी कम होती है। मेरी फिलोसफी में मैं खुश हूँ कि कपड़े हैं, खाना है, मकान है, लाइफस्टाइल जो है वो परमात्मा की आशीर्वाद से और पिताजी के अच्छे कर्मों के लेकर जिंदगी अच्छी है। तो मुझे इतना इसका ग्रीड नहीं है कि साहब कि मुझे यहाँ से पैसा बनाना है। जो है नंगे आए थे नंगे जाएंगे, इस पैसे को तो मैं ऊपर ले जा नहीं सकता। तो अगर मैं नहीं ले जा सकता इस पैसे को, तो इस पैसे को इसी भारत में इसी जिंदगी में लगाए ना। इसलिए मैं मोदी केयर मैं कहता हूँ लोगों को, मैं तो मुफ्त में काम करता हूँ। अब आप और कंपनियों देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को देखिए, उनकी बैलेंस शीट देखिए,
सीईओ 10 करोड़ ले रहा है, 30 करोड़ ले रहा है, 50 करोड़ ले रहा है, तो वो तो क्या फायदा, हम पैसा बना रहे हैं, हम पैसा लगाएंगे। समीर मोदी तो एक वो है, एक मसीहा है लोगों के लिए, कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। अगर मैं भी सारा पैसा लगाने लगूं, लेने लगूं मोदी के अर्थ से, तो ये कहां जाएगा। क्या बात है भैया, क्या बात है, कमाल है भैया, कमाल। आपकी इन सब बातों से आज एक सोच जरूर हमारी बदल गई, कि पहले हम सोचते थे कि हमने किसी को पैसा दान दिया है, किसी को दिया, पर आज समझ में आ गया कि किसी को कुछ दिया नहीं है, जो यहाँ का था वो वापस दिया है उसी को, कोई हमने कोई एहसान नहीं किया किसी पे। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, कमाल। आपके सोच ने तो मतलब आपके बारे में बहुत सारी, मुझे आज भी याद है भैया, जब पहली बार आप यहाँ पर आए थे, आपने मेरे को एक डायलॉग बोला था कि जितिन भैया रात को सोते टाइम तकिया आपको ये कहना चाहिए, तू अच्छा आदमी तू सो जा यार। आज मेरे को बात समझ में आती, उस दिन तो मेरे को समझ में नहीं आई थी, आज मेरे को ये बात समझ में आती भैया। ये भी एक अलग फिलोसॉफी का आपका एक एंगल है भैया, कमाल ही है भैया। एक चीज भैया मैंने जो देखी है भैया मोदी केयर में, मोदी केयर में आने के बाद आपने मोदी केयर में कोड ऑफ एथिक्स बनाया भैया। मैं कई सारी कंपनीज को जानता हूं जिनके पास आज भी कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, और आपको पता है इस इंडस्ट्री में देर आर लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और आपने आने के बाद जो चीजें आपने मोदी केयर में की है, और जिस तरीके से आप उस उन रूल्स के ऊपर काम करते हैं, उन चीजों को आप फॉलो करते हैं भैया, तो ये भैया मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है 10-20 साल बाद हम इन रूल्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि मैंने देखा है कंपनी इतना मैनिपुलेट करती है भैया, मैं मतलब इस इंडस्ट्री को खराब करने वाली भी बहुत सारी कंपनियां, आप इसको कैसे देखते हैं भैया। नहीं, आपने सही कहा कि काफी लोग जो हैं वो उनका कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, काफी लोग हैं जो कोड ऑफ एथिक्स को बिलीव नहीं करते पर हैं, काफी हैं लोग जो कोड ऑफ एथिक्स को मैनिपुलेट करते हैं। मेरी खुश नसीबी है कि मेरी जो टीम है मोदी जी की टीम, उनका जो सोच है वो मेरा जैसा ही है, और चाहे आज हो चाहे कल हो, चल कल शायद कल कोड ऑफ एथिक्स बदल जाए और कुछ नया आ जाए, डिपेंडिंग की इंडस्ट्री में क्या है, पर बेसिक जो है कोड ऑफ एथिक्स वही रहने वाले हैं। मुझे लोग आते हैं, मुझे कहते हैं, दो चीज का मैं बताऊंगा। आपने पहले कहा कि आपको मेरी फिलॉसफी का पता नहीं चला पहले कि जी जब थके में सिर रखते हो तो खुश होना चाहिए। फिलॉसफी ये है कि मुझे, मेरी ये फिलॉसफी है कि जब मैं थके में सिर रखूं तो क्लियर हार्ट के साथ रखनी चाहिए कि आज मेरा दिन ठीक गया, मैंने किसी के साथ नुकसान नहीं किया, किसी से कोई गलत नहीं किया, और अगर किया ये है कि मैं भी इंसान हूं, तो माफी आज मांग ली, जब तक माफी नहीं मांगूंगा मैं सो नहीं पाऊंगा। क्या बात। तो एक तो ये है, कोड ऑफ एथिक्स का एक बड़ा वो है कि बड़ी क्लियर हूं मैं। लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं साहब कि हमारे लिए ये कर दीजिए, किसी और को नहीं मालूम पड़ेगा। आप तो जानते हैं हम बड़े लीडर हैं, जैसे आप और भाभी, कि आप मेरे पास आए और आपने कहा जी समीर भैया आप ये कर दीजिए, मुझे ये एक अलाउंस दे दीजिए मुझे, पर आप ये तो आपके और मेरे बीच में है, तो किसी और को तो पता नहीं चलने वाला। तो उनके दो जवाब हैं उनके लिए, दो चीज मैं कहता हूँ। एक है कि अगर मैं आपके लिए करूंगा सबके लिए करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। दूसरा आप कहते हैं कि किसी और को मालूम नहीं पड़ेगा, पर मुझे तो मालूम पड़ गया। सही बात है, बिल्कुल। तो मैं आई एम ऑलरेडी थर्ड पर्सन, बिल्कुल, मुझे मालूम पड़ गया तो आदमी सबको मालूम पड़ने वाला है, तो छुपाने की क्या बात है। और इसी फिलॉसफी से लेकर मुझे सारी चीजें याद नहीं रहती, और मैं याद रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर इंसान झूठ ना बोले और अगर इंसान अपने दिल का साफ हो और इंसान अगर अपने कोड को नहीं वायलेट करे, अपना कोड, मेरा जो खुद का कोड है, तो जो भी आप कहो वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। वो मैनिपुलेशन नहीं आती मुझे कि साहब आपको मैंने ये कहा, इनको वो कहा, उनको वो कहा। अरे भैया लाखों लोग हैं, कैसे कैसे मैनेज करेगा इंसान, उसके लिए कंप्यूटर रखना पड़ेगा साथ में। साहब मैंने जितेंद्र भाई को ये कहा, आवा जी को ये कहा, मनोज जी को ये कहा, तो अब इसको कैसे मना कर रखें। जब झूठी ना बोलो, मैनिपुलेशन ही ना करो, अपने कोड ऑफ एथिक्स तो बिल्कुल क्लियर है, अपनी जिंदगी के मकसद बिल्कुल क्लियर है, तो याद ही रखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और हमको तो इन सब बातों से ये बात समझ में आई है कि आप पहले अपने सिद्धांत बनाते हैं, आप अपनी लाइफ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं, फिर उन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हैं। ये नहीं कि जब परिस्थिति आती है तब आप अपने प्रिंसिपल बनाते हैं और फिर उस पे नया कुछ एक्शन लेना है। ये बहुत अच्छी बात है भैया आपकी। प्रिंसिपल बेस्ड लाइफ है कि भाभी ये है कि प्रिंसिपल जिंदगी में बदले हैं,
क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहता। मोदी केयर ने मुझे बहुत चीज सिखाई है, दुख भी सिखाया है, सुख भी सिखाया है। तो कहते हैं आंदोलन अपने पर कर, लोगों ने किया उसको भी सहा है। गलत बातें भी सही हैं, अच्छी बातें भी सही हैं, पर सबसे बड़ी बात जो वो है कि अपने आप पे अटल रहना चाहिए। और ये है कि पहले जो जैसे आपने कहा सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, और ये बड़ा क्लियर था कि मैंने एक बार ये बात बोली स्टेज पर, बिना क्योंकि जब मैं आखिर बोलता हूँ कोई रिटन स्पीच नहीं लेता, हिंदी में बोलता हूँ और वो बातें जो शब्द हैं वो खुद आ जाते हैं। जब जो ये शब्द आया, ये सेंटेंस आया सोच बदलो वाला, तो मैं वापस आया ऑफिस में, मैंने कहा ये क्या कह दिया मैंने कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। तो इसी के साथ अगर मैंने ये कहा है तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी मैं दुनिया बदल पाऊंगा। तो उससे ये जो सोच बदलो एक कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे जीना पड़ेगा। Yes. और जीना, इसको जीना पड़ना आसान बात नहीं है। तो ये ठीक है, ये आज मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा जो मैं टेक अवे है वो है सोच। आज सबसे बड़ा जो मुझे गिफ्ट दिया है लोगों ने वो है सोच और प्यार। बहुत बढ़िया भैया। नहीं भैया, आई स्टिल रिमेम्बर मेरी आपके साथ जो पहली मुलाकात थी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट उस समय के समीर मोदी जी और आज के जो समीर मोदी जी, भैया सल्यूट टू यू। मतलब वो कहते ना सोच बदलो, खुद को बदलो, जो खुद को बदलो वाला जो है ना मामला भैया, वो अमेजिंग है, वो ड्रास्टिक है। मतलब मैं कोई इमेजिन नहीं कर सकता कोई आदमी कैसे अपने आप को इतना बदल सकता है भैया। हम भी रोज कोशिश करते हैं भैया, लेकिन आपको 1% भी अगर फॉलो कर पाए भैया तो मैं समझता हूँ कि हमारी भी जिंदगी सफल हो जाएगी भैया। भैया आपसे तो जितनी बातें करें उतने कम है, जितना आपसे वो करें उतना कम है। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैं आपसे पूछूं भैया। हम तो उस लायक भी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछे भैया, लेकिन आज मुझे पता है जो जो क्लैरिटी आज लोगों को आपने दी भैया वो अनइमेजिनेबल है भैया। भैया आप हमें ये बताइए अब कि हम तो सब आपको थैंक यू बोल देते हैं भैया, क्योंकि आप हमारे सबके गॉड फादर है। हम तो हर दिन सवेरे उठते हैं तो थैंक यू समीर मोदी जी बोल देते हैं कि भाई समीर जी ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन लाया, पूरे हिंदुस्तान में जो मोदी केरियन से, वो सवेरे उठ के आपको थैंक यू बोलना भूलते नहीं। भैया आप किसको थैंक यू बोलते हैं ये बताइए भैया। थैंक यू मैं कई लोगों को बोलता हूँ, अपने मन में हर समय थैंक यू तो अपने पिताजी का है और मेरे ग्रैंडफादर राय बच्चन गुजन मोदी का है कि वो उन्होंने इस परिवार में मुझे जन्म दिया, और दूसरा है कि भगवान को कि उन्होंने मुझे इतना केबल बनाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। तीसरा है पूरे समीर ने जो मेरे हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं उनका प्यार, और चौथा है कि सारे कंसल्टेंट मोदी केयर, क्योंकि ये है मेरे मोटिवेशन, ये है मेरा ये चार जो बकेट हैं, ये है जो मैं सबसे बड़ा थैंक यू मैं पूरे मोदी के परिवार को देता हूं, क्योंकि वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका प्यार, आपका आपका क्या कहते हैं आशीर्वाद, आपकी बिलीफ, आपका सपोर्ट से आज जो समीर मोदी है वो ये समीर मोदी इस कारण है। मुझे याद है जब मैं कोटा आया था पहली बार, बुरा मत मानिए भाभी और भैया, तो मैंने आपके घर में देखा, आपने कहा मुझे कि देखिए मेरी रेलिंग है और इस रेलिंग में आपने कहा यहाँ पर एम्बे के सारे वो लगे हुए हैं क्राउन के और इसके गाली में बने हुए हैं, कि मैंने एम्बे से बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ सीखा है। तो मैंने आपसे एक बात कही थी भैया, ये तो निकलना पड़ेगा तो निकलना पड़ेगा। याद है आपको ये बात मेरी और आपकी घर के साथ भैया, एंड ये सब निकलने की तैयारी है बिल्कुल। मतलब जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा एवरीथिंग विल बी रिनोवेटेड। नहीं क्वेश्चन मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़ा क्लियर हूँ कि लोगों के लिए जीता हूँ और लोगों के लिए मरता हूँ, और वो लोग मैं इतना जनरलाइज नहीं करना चाहता। मैं मोदी केयर के लिए जीता हूँ और मोदी के लिए मरता हूँ, ये मैं एक मेरी हकीकत है, ये मेरी रियलिटी है और ये मेरे जीने का मकसद है। क्या बात है भैया, क्या बात है, मजा आया भैया आपसे बात करके। एंड पूरा हिंदुस्तान जो आज आपको सुन रहा है,
आई नो, अब जो समीर नेस है ना भैया वो फ्लो करने वाली है। अब तक मोदी केयर फ्लो करता था, लेकिन नाउ द समीर नेस विल बी फ्लोट इनटू द मार्केट, क्योंकि समीर नेस में बहुत सारी चीजें आ गई है भैया, है ना। मोदी केयर मुझे लगता है अब एक ऑर्गेनाइजेशन का शब्द रह गया है, लेकिन समीर नेस जो है ना भैया वो पूरा हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी के दिल में वो समीर नेस बहेगी। क्योंकि आज आपने जो प्रिंसिपल्स पे बात की, जो आपने अपने दिल की जो बात आज आपने बताई भैया, अनबिलीवेबल है, अनपैरेलल है। एंड हमारे पास तो शब्द नहीं भैया, आप आए, आपने हमारा मान बढ़ाया, आपने एक छोटे से मैसेज के ऊपर आपने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया भैया। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है, हमारे पास अब तो हम आपको भैया आत्मनिर्भर परिवार अभियान, इस अभियान को हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर उठता हुआ देख रहे हैं। एंड आपने जो ये बैलेंस लाइफ का जो फॉर्मूला दिया है, सबसे बड़े एम्बेसडर आत्मनिर्भर परिवार अभियान के आप हैं, एंड ये भैया बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाएगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। हमारे पास धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है भैया, क्या बोले आप। भैया आपकी इस छवि में तो हम कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चा हो उसको पिता का साया मिल जाए, एक भाई को उसको दुलार मिल जाए, आप जैसे सखा मिल जाए, तो सारे रिश्तों की जो कहते हैं ना एक बुनियाद, वो आप में देखी जा सकती है। और हर कंसल्टेंट वो फील करता है आपको देख के, उसको ये नहीं लगता है कि मैं किसी इतने बड़े इंसान, किसी अरबों खरबों पति से बात कर रहा हूँ, उसको ये लगता है कि मैं एक लेवल पे हम आपसे दिल से जुड़े हुए हैं। और ये आपकी बहुत बड़ी ग्रेटनेस है, और आज आपने यहाँ पर हमको आके इतना सिखाया, इतना आपसे हमने प्रेरणा ली, और आप हमारे लिए बहुत बहुत प्यारे हैं, बस मैं ये कह सकती हूँ। मतलब आप भाभी बहुत बहुत भाभी बहुत शुक्रिया, आपने ये इतना मुझे आदर दिया। और भैया आपने कहा कि मैं फिर एक मैसेज से मैं आ गया, मेरे लिए आप दोनों तो बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोदी के परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आप लोग मुझे कोई ये कोई फेवर नहीं है मैं कर रहा हूँ, ये है मेरी दिल, आपकी दिल की पुकार और मेरी दिल की पुकार एक है, वो हमारा अटूट बंधन एक है। और जैसे वो तेरा जैसा यार मिला आपका और मेरा गाना है, वो हमारी एक हमने पहली बार मैंने आपके साथ गाया था। एक ये वो कहते हैं कि दिलों, ये दिलों की जिंदगी है, हमारे पास दिल ही है। और आप भाभी और भैया आप तो बिल्कुल लाजवाब हैं, और मैं तो जब भी आप अकेले आते हैं मैं ये पूछता हूँ भाभी कहाँ है, भाभी को छुपा के रखा है। और आपका हर समय एक ही रीजन होता था उस समय कि बच्चों को पढ़ा रही है। अब बच्चे कॉलेज चले गए तो आपका कोई एक्सक्यूज नहीं है। अभी आज अच्छा है कि भाभी यहाँ पर आई हुई है इस प्रोग्राम में। नहीं भैया, हम बिल्कुल हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। हमारी जिंदगी का एक एक कतरे का जो डिवोशन है वो अब आपके लिए भैया, समीर नेस के लिए, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारी चीजें मिल गई है भैया आपसे। एंड लास्ट में भैया वही गाना आपके लिए वापस एक अंतरा सुना रहा हूँ भैया, उस गाने का जो हमने पहली बार गाया था, ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बिठा दिया पलक पे, मुझे फर्श से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद प्यार करेगी दुनिया तेरा मेरा पाना। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया। एक गाना आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हम भैया। भाभी मैंने वो गाना ही निकाल रहा था। सॉन्ग नंबर 19 है भैया, सॉन्ग नंबर 19 हम सबका हर दिल अजीज सॉन्ग।
गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। इंडिया तो लगे बरसते समा, मैं इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। ये अगली लाइन है भैया आपके लिए और सारे कंसल्टेंट के लिए, मोनिकर फैमिली के लिए, समीर फैमिली के जैसे आप कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेरी फेवरेट लाइन है पूरे गाने में। हाँ बिल्कुल भैया, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें ना पता, दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें इनसे प्यार, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। भैया आपकी इन्हीं इन्हीं गानों ने जो है ना भैया, वो जो मैं मेंटल इमोशनल हेल्थ की बात कर रहा हूँ ना भैया, ये मतलब अंदर तक लोगों को प्यूरिफाई कर देता है भैया। बस भैया आप ऐसे ही बने रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि भैया अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है इस समय पे। आपसे हमारी हाथ जोड़ के, मेरे पास कई कंसल्टेंट के हजारों जो मैसेज आए ना भैया, क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पूछा, सबने एक ही बात लिखी है, भैया को बोलना वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, घर में रहें, कहीं ऐसा नहीं हो इस पेंडेमिक के टाइम पर वो मतलब बाहर निकल कर कहीं हम सबके लिए हमारे हमारे दिलों के धड़कनों को नहीं तेज कर दें। तो भैया आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, एंड ऐसे ही करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बदलते रहें भैया। थैंक यू सो मच भैया, लव यू लव यू लव यू, शब्द बहुत कम है भैया। लव यू भैया, लव यू भाभी, सॉरी भाभी क्या कह रहे थे आप बोलिए भैया। बस हम तो आपने जितने जतन लगाए ना, उनमें से एक भी जतन को हम बहुत यत्न से संभाल के रखेंगे हर चीज को। थैंक यू भाभी, थैंक यू भैया। मेरा सिर्फ एक ही आदेश है सारे समीर मोदी केयर फैमिली को कि अपने आप को सेफ रखें, अपनी सेहत को ठीक रखें, अपने दिमाग में मालूम है, और जिसको नहीं मालूम मैं दे सकता हूँ 9810000123। एंड बस ये है कि मेरे को सिर्फ मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट के बारे में मत फोन करिए, कष्ट हो तो जरूर फोन करिए, मेरी मेरे हाथ पकड़ने की आशीष हो तो जरूर मैसेज करिए, और मैं आपके लिए हूँ। और भैया और भाभी आज मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मेरा इतना आदर किया, उसका मैं बहुत आभारी हूँ, और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू बोथ, एंड आप लोगों को मैं बड़ा मिस भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम तीन हो गए हम साथ नहीं मिले हैं। भैया इन दोनों को भी आशीर्वाद दे दो भैया, दोनों भी आप बच्चे आपके मेरे पास ही हैं। नमस्ते तो कर लो भैया। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे हो, कैसे हो, माय गॉड। तुम इतने बड़े हो गए हो, इतने बड़े हो गए दोनों, पहचान में भी नहीं आ रहे कि आप तो मुझे भैया मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, फिर मैं बहुत आभारी हूँ। भैया मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, फिर बात। भैया मैं लाइव बंद कर रहा हूँ, फिर बात। मैं बहुत आभारी हूँ।